श्रीमद् भगवद गीता विश्व भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के मणि के रूप में विख्यात है। मनुष्य के स्वभाव, उसके परिवेश, भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंध को उद्घाटित करने में इनकी तुलना में अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवद गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। दिस बुक इज रिटन बाय एसी भक्ति वेदंता स्वामी प्रभुपदा, द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट वैदिक स्कॉलर and teacher. This book is available in both languages, Hindi and English, so you can read any one of them according to your comfortability. Although widely published and read by itself, Bhagavad Gita originally appears as an episode in the Mahabharata, the epic Sanskrit history of the ancient world. The Mahabharata tells of the events leading up to the present age of Kali. It was at the beginning of this age, some 50 centuries ago, that Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to his friend and devotee, Arjuna. Their discourse, one of the greatest philosophical and religious dialogues known to man, took place just before the onset of war. Since Krishna is the speaker of the Gita, and its ultimate goal as well, Bhagavad Gita, as it is, presents the great scripture in its true terms. Do not worry at all, as long as you do good work. Jab tak aap achha kaam karte hain, tab tak chinta na kare. Har insaan ko karma mein vishwas karna chahiye, kyunki ye jagat hi karma lok hai. Karma aapke haath mein hai, parinaam nahi. इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। गीता पढ़ने वाले व्यक्ति को सच और झूठ, ईश्वर और जीव का ज्ञान हो जाता है। उसे अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और व्यक्ति साहसी और निडर बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। रोजाना गीता पढ़ने से शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। इस महान ग्रंथ की पूजा की जाती है और इसे पढ़ने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। इससे मनुष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसे पढ़ने के साथ साथ सुनने वाले के हृदय में भी भगवान श्री हरि का वास होता है।